हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज इस वीडियो में मैं एक ऐसी कहानी लेकर आया हूँ जिसका एक टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो वीडियो को लास्ट से जरूर देखना क्योंकि वीडियो में बहुत मजा आने वाला है। इस कहानी की शुरुआत में एक वायरस की वजह से अब इस पूरी दुनिया के लोग गायब हो चुके हैं और फिल मिलर वहाँ एक अकेला इंसान बच गया है। अब जिसके बाद वो एक बस लेकर पूरे अमेरिका में घूमता है ताकि उसे उसके अलावा कोई और जिंदा इंसान मिल जाए, लेकिन पूरे अमेरिका में हर एक शहर के हर एक कस्बे को छानने के बाद भी उसे उसके अलावा और कोई जिंदा इंसान नहीं मिलता, जिसके बाद वो बहुत निराश हो जाता है। फिर वो अपने शहर टैक्सन की ओर वापस जाने लगता है और वहाँ जाने से पहले वो अपने लिए बहुत सारे महंगे सामान और कुछ महंगी पेंटिंग्स को चुरा कर अपनी बस में भर लेता है और लौटते वक्त वो हर एक बोर्ड में अलाइव इन टैक्सन लिख देता है ताकि कोई जिंदा इंसान उसे ढूंढता हुआ वहाँ पहुँच जाए। फिर टैक्सन पहुँचने के बाद वो वहाँ के सबसे बड़े घर को अपने रहने के लिए चुनता है क्योंकि अब उसे किसी भी चीज़ का डर नहीं था, क्योंकि उसे मालूम था कि उसके अलावा यहाँ और कोई है ही नहीं जो उसे किसी चीज़ के लिए रोके। जिसके बाद वो अपने चुराए गए सामान और पेंटिंग को उस घर में सजा देता है और फिर रात को अपनी फैमिली को याद करके रोने लगता है और सोने से पहले वो भगवान से अपने दिन भर में किए गए सारे बुरे कामों के लिए माफ़ी मांगता है और अपने लिए एक औरत की मांग करता है। अगले दिन फिल पूरे शहर में बस एक अंडरवियर पहनकर घूम रहा होता है क्योंकि उसे पता था कि उसे यहाँ देखने वाला कोई नहीं है। उसके वो कुछ सामान लेने के लिए एक शॉप में जाता है जिसका गेट वो गोली मार के तोड़ देता है क्योंकि वहाँ कोई पुलिस नहीं थी जो उसे पकड़े। वो वहाँ से बहुत सारा खाने का सामान चुराता है और उसी के साथ बहुत सारी पॉर्न की डीवीडी भी अपने साथ ले लेता है। धीरे धीरे वो पागल सा हो जाता है। वो हर एक वो हरकत करता है जो कि एक आम इंसान कभी नहीं करता। वो अपने अकेलेपन से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, जिसके बाद वो उस इलाके के सारे सामानों को तोड़ना फोड़ना शुरू कर देता है और वो अपने इंटरटेनमेंट के लिए बड़ी बड़ी गाड़ियों को आपस में टकरा कर उनमें आग लगा दिया करता था। वो अपना बर्थडे भी अकेले ही मनाया करता था और अपने फैमिली वालों को मिस किया करता था और हर रात सोने से पहले वो भगवान से अपने लिए बस एक लड़की की मांग करता था। इसी तरह कुछ महीने बीत जाते हैं और अब फिल मिलर के घर में बहुत सारा कूड़ा कचरा इकट्ठा हो चुका है और उसे उसको साफ करने में कोई दिलचस्पी भी नहीं है और उसे मालूम है उस कचरे को साफ करके कोई फायदा भी नहीं होने वाला। उसने एक बाथटब में बहुत सारी दारू भर रखी थी और वो उसी को पीता था और उसी में नहाया करता था। वो दिन रात शराब में डूबे रहने लगा। वो एक आम इंसानी रहन सहन को पूरी तरह भूल चुका था। वो बस अपनी मौत का वेट कर रहा था और वो अपने स्विमिंग पूल में ही पॉटी किया करता था और हर रात वो मार्केट जाकर एक लड़की के पुतले को घंटों तक घूरा करता था और कभी कभी उसे किस भी किया करता था और हर वक्त सेक्स के बारे में सोचा करता था। वो अपनी जिंदगी से बहुत परेशान हो गया था क्योंकि उसके अलावा और कोई भी इंसान उसे जिंदा अभी तक नहीं मिला था। चाहिए वह मरने का मन बना लेता है और वह अपने दोस्तों से हार मानने के लिए माफी मांगता है और कहता है कि तुम लोग इंसान नहीं हो और वह अपने कार को स्टार्ट करता है और एक बहुत बड़े पत्थर से अपने कार को टकराने चाह ही रहा होता है कि तभी उसकी नज़र काले धुएं में जाती है। वह समझ जाता है कि वहां पर कोई जिंदा इंसान है, शायद कोई लड़की, इसीलिए वह अपने मरने का मन छोड़ देता है और सीधा उस धुएं की ओर जाता है जहां उसे कुछ ऐसा देखने को मिलता है जो कि वह सालों से देखना चाहता था। एक लड़की कापरा जिसे किसी ने सूखने के लिए डाला था। फिल मिलर उस बरा को सूंघने लगता है और बेहोश हो जाता है कि वह एक सुंदर लड़की के गोद में है जो कि उसे किस कर रही है। तभी उसे वास्तव में होश आता है और वह देखता है कि एक लड़की उसे किस कर रही है। वह सुंदर तो नहीं पर उम्र में उससे बड़ी होती है, जो कि फिल मिलर को CPR दे रही थी क्योंकि उसे लग रहा था कि फिल मिलर मर रहा है। वह तुरंत उस लड़की से दूर हट जाता है और उससे कहता है कि वह सुंदर लड़की कहाँ गई। कैरोल उसे अपने अंडरपैंट को देखने को कहती है जो कि गीला होता है। फिल मिलर उसे कहता है कि मैंने अपने अंडरपैंट को गीला नहीं किया और वह कैरोल की तरफ बढ़ता है। यह देखकर कैरोल बंदूक निकाल लेती है और फिल मिलर मान लेता है कि हाँ उसने अपने पैंट को गीला किया था। कैरोल उसे बताती है कि अलाइव इन टैक्सन देख कर वह यहाँ पर आई है। ऐसे तो फिल मिलर हर रोज भगवान से लड़की मांगता था पर आज लड़की उसके सामने थी पर वह उतना उत्साहित नहीं होता। कैरोल फिल मिलर के साथ उसके घर देखने जाती है। रास्ते में फिल ट्रैफिक नियमों को नहीं मानता। कैरोल उसे कहती है कि हमें ट्रैफिक नियम को मानना चाहिए और ट्रैफिक में रुकना चाहिए, पर फिल कहता है कि क्या फर्क पड़ता है, यहाँ पर तो कोई है ही नहीं।
पर वह कैरोल को अच्छा फील कराने के लिए वह ट्रैफिक में रुकता है। पहले वह राइट देखता है, फिर वह लेफ्ट और फिर आगे बढ़ता है। कैरोल फील के घर देखकर चौंक जाती है, क्योंकि उसके पास दो पुल थे। उसमें से एक को उसने शौचालय बना रखा था और दूसरे को कूड़ा फेंकने का जगह। कैरोल उस पर पेंटिंग चुराने का भी इंजाम लगाती है। और जब कैरोल उससे मैगजीन के बारे में पूछती है तो फिल सीधा सीधी कहता है कि यह सारी मैगजीन अडल्ट है, जिसे वह खाली समय में देखा करता है। फिल कैरोल को वहीं छोड़ देता है जहां से वह कैरोल को उठाकर अपने घर लाया था। अगले दिन जब फिल उठता है तो वह देखता है कि कैरोल उसके घर की सफाई कर रही है। फिल बोलता है कि किसी के घर को साफ करने से पहले उससे पूछना चाहिए। कैरोल कूड़े को वहीं फेंकने लगती है। फिल उसे रोकता है। ये लोग सुपरमार्केट जाते हैं, जहां कैरोल उसे बोलती है कि हैंडीक्राफ्ट के पार्किंग स्थल में गाड़ी पार्क मत करो। पर फिल बोलता है कि क्या फर्क पड़ता है कि हम कहीं भी गाड़ी पार्क करें, इस पूरी दुनिया में हम दोनों ही बचे हैं, या पूरी दुनिया खाली है और मैं कहीं भी गाड़ी पार्क करूं, क्या फर्क पड़ता है। पर कैरोल नहीं मानती, उसे सही जगह में गाड़ी पार्क करने को कहती है। फिल को गुस्सा आ जाता है और वह सुपरमार्केट के अंदर गाड़ी को पार्क कर देता है। रात के समय फिल अपने बॉयफ्रेंड के पास जाता है और कैरोल की शिकायत करता है। अगले दिन जब कैरोल उसके पास के घर में रहने आती है तो फिल उसे रोकने की कोशिश करता है, और जब कैरोल नहीं रुकती तो फिल अपने पैंट को खोल देता है ताकि कैरोल उसे असभ्य इंसान समझकर वहां से चली जाए। पर कैरोल उससे बात करने लगती है। फिल उसे रुकने को कहता है और जब कैरोल नहीं रुकती तो फिल अपने पैंट को पहन लेता है। कैरोल को लग रहा था कि भगवान ने उसे और फिल को इस दुनिया को चलाने के लिए चुना है, पर फिल कहता है कि तुम इस दुनिया में अगर आखिरी औरत भी बची तो मैं तुम्हारे साथ सेक्स नहीं करूंगा, और वहां से चला जाता है। कैरोल फिल के पास जाती है, वह टॉयलेट कर रहा होता है। कैरोल फिल से उसके बगीचे में पानी लाने के लिए मदद मांगती है ताकि वह फ्रेश और ताजे वेजिटेबल उगा सके, पर फिल मना कर देता है। तो कैरोल उसके सामने ताजे टमाटर खाकर उसे चिढ़ाने लगती है ताकि फिल उसकी मदद करे, पर फिल उसकी मदद नहीं करता। रात में फिल उसके बगीचे में जाकर सारे टमाटर को खा लेता है, और जब अगले दिन कैरोल उसके घर जाती है तो वह देखती है कि फिल के पूरे कपड़े में टमाटर लगा हुआ है, पर फिल साफ साफ मना कर देता है कि उसने टमाटर नहीं खाई। फिल देखता है कि पानी लाने की कोशिश करने में कैरोल के पैर में चोट लग गई है। अगले दिन फिल देखता है कि कैरोल उसी की तरह पूल में लकड़ी का बोर्ड लगाकर उसे टॉयलेट में बदल रही थी। कैरोल फिल से कहती है कि तुम सही थे, हमें भगवान ने इस दुनिया को चलाने के लिए नहीं चुना है। जब हम पानी को अपने घर तक नहीं ला सकते तो हम इस दुनिया को क्या चलाएंगे। यह बात फिल के दिल में लगती है और वह शहर के टैंकी से कैरोल के घर तक पानी लाने का व्यवस्था कर देता है। कैरोल यह देखकर बहुत ही खुश होती है और उसे रात के डिनर के लिए इनवाइट करती है, जहां ये लोग ताजे सब्जी से बने डिनर का लुत्फ उठाते हैं। कैरोल फिल से कहती है कि तुमने मुझे अपना पैंट उतार कर दिखाया, शायद भगवान चाहता है कि हम इस दुनिया को आगे बढ़ाएं। फिल भी कैरोल के साथ सेक्स करने को तैयार हो जाता है, पर कैरोल शादी से पहले सेक्स नहीं करना चाहती थी। फिल कहता है कि क्या फर्क पड़ता है, यहाँ तो कोई देखने के लिए भी नहीं है। कैरोल शादी से पहले सेक्स करने को तैयार नहीं होती, वह बोलती है कि बिना शादी के वह बच्चे पैदा नहीं करेगी। फिल उसकी बात मान लेता है और उसे प्रपोज करता है शादी करने।